विद्रोह करने पर, जिसके विरोध में कोई बोलने वाला न हो, उस सरकार की ऐसी मानसिकता हो जाए कि नहीं, हमें हिंदू विश्वविद्यालय के हित में काम करना है, वो भी सरकार अपने ढंग से डरी हुई सरकार थी या समझदार थी कि कहीं कोई विद्रोह न हो, हमको ऐसा अपने को प्रस्तुत करना है कि हम यहां के जो समुदाय है, प्रमुख समुदाय है, उनके हितों के प्रति सजग है, जैसे हिंदुस्तान के प्रमुख समुदाय हिंदू, जो कि यहां की लगभग जनसंख्या के 85% या कई कई जगहों पर 90% थे, और मुसलमान, इन दोनों को कैसे हम अपने पक्ष में रख सके, ये एक कंसिडरेशन अंग्रेजों का जरूर था कि किस तरह से हम इन लोगों की सहायता करें। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में इस बात को जरूर कहना पड़ेगा कि ये पंडित मदन मोहन मालवीय के संकल्प का, के सजग प्रयास का परिणाम था कि उन्होंने एक बड़े ही थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जिसकी जड़ें यहां से 6000 मील दूर थी, उस सरकार को प्रेरित किया कि इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए वो संकल्पबद्ध हो। और मालवीय जी के बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में बात कहने के साथ ही साथ ये बात बड़ी ही प्रभावित बात है, और इस पर बहुत चाहे तो कोई प्रूफ और भी खोज सकते हैं कि कैसे हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण एक हिंदू जनता के बीच में एक बड़ी गंभीर एक सामुदायिक चेतना को जन्म देता है। सामुदायिक चेतना से की जगह पर मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय चेतना, एक हिंदू राष्ट्रीय चेतना का जन्म होना। कई बार लोग सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना का जन्म होना कोई अच्छी बात है क्या, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जन्म होना चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमान और जो भी समुदाय है सबके प्रति समान भाव रहना चाहिए, तो इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। अगर आप एक सच्चे हिंदू चेतना से अनुप्राणित होकर के आप संगठित है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय का यही स्टैंड था कि अगर आप हिंदू चेतना से अनुप्राणित होकर संगठित है और अपने हिंदू हितों के लिए काम करते हैं, तो इसके माने ये नहीं कि आप दूसरे के हितों का विरोध करते हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि आजादी के संघर्ष के दौर में बार बार ये बात उठती रही और बड़ी थोड़ा दुखद बात भी थी, जिसको कि आपको जानना चाहिए और सोचना चाहिए, और आज के समाज में भी इसके बारे में चर्चा होती रहती है कि हम देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने आजादी के लड़ाई के दौर में किस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच में कई जगहों पर संघर्ष, जिन्हें सांप्रदायिक संघर्ष कहा अंग्रेज वर्णनकर्ताओं ने भी और भारतीयों ने भी और खुद मालवीय जी ने सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग किया और कहा कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं, अर्थात हम हिंदू हितों के लिए या हिंदू जनता के उत्थान के लिए, हिंदू लोगों में आपस में समन्वय हो, हिंदुओं के बीच में जो बुराई है उसको दूर करने का प्रयास करें। हिंदुओं के बीच की बहुत बड़ी बुराई, जिस पर कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत बड़ा कार्य करने की कोशिश किया और किया भी, हमारे यहां एक बहुत बड़ा वर्ग था जो अछूत वर्ग जिसे आप कहते थे, दलित वर्ग था, उनके प्रति भी मालवीय जी की बड़ी सजगता थी, बहुत सजगता। और अगर आप आज के वातावरण में, तो यह है नहीं, कानून बने हुए हैं और हम लोगों के दृष्टिकोण में ही नहीं है, अछूत और छूत का भाव आजकल बहुत दूरी तक कम हुआ है, लेकिन एक जमाने में यह भाव भारत में बहुत ही व्याप्त था। तो कैसे हिंदू समाज एक समरस समाज बने, इस फील्ड में मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान आप देख सकते हैं, और हमने जगजीवन राम जी यहां पर विद्यार्थी थे बिरला छात्रावास में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनको खुद बुलाया जब वो बिहार के हाई स्कूल की परीक्षा पर ड्रॉप किए थे, और मैंने खुद सुना अपने कान से, जगजीवन राम जी यहीं आए थे, उन्होंने बोला कि कैसे उनके साथ छात्रावास में बड़ा भारी भेदभाव किया जाता था,
और किस तरह से माधवी जी ने अपने खुद के बर्तन, अपने खुद के पर्सनल नाई उनको दिए, उनके लिए नियुक्त किए कि उनके साथ भेदभाव का भाव न हो। आज ये सब चीजें नहीं दिखाई देती इस समाज में। इसी तरह से हिंदुस्तान के समाज का यह एक बहुत बड़ा, बहुत खराब बात थी कि हिंदू मुसलमान के बीच में एक संघर्ष हुआ, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे, अगर थोड़ी देर के लिए 1857 का प्रारंभ देखें तो कैसे हिंदू मुसलमान, थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं कि कैसे एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होते हैं, और किस तरह से हम आने वाले समय में देखते हैं कि कैसे हम जब हिंदू मुसलमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे मतलब नहीं कि सभी हिंदू और सभी मुसलमान, लेकिन एक खास तौर पर हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे होते हैं जिनको लोग किसी शब्दावली से व्यक्त करते हैं। और उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय की क्या भूमिका होती है, और उसको लेकर के बहुत से इतिहासकारों ने कुछ गलत ढंग से भ्रांतियां पैदा की। आपको पता होगा कि कैसे असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौर में किस तरह से मोगला विद्रोह हुआ, जो मोगला किसान थे, अपने हिंदू जो जमींदार थे उनके विरुद्ध संघर्ष किए, और उसकी बहुत सी कहानियां उत्तर भारत में मोगला जो कि केरल का, केरल में रहने वाले अरब से आए हुए मुसलमान थे, उनके विद्रोह को लेकर के बहुत सी कहानियां 1921 के अंतिम महीने से लेकर के 1922 वगैरह तक बहुत छपी कि कैसे धर्मांतरण हो रहा है और कैसे अत्याचार हो रहा है। इसी दौर में पाकिस्तान के, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उसके कुछ इलाकों में कुछ दंगे होते हैं, उन सब दंगों को लेकर के कैसे पंडित मदन मोहन मालवीय की क्या भूमिका होती है, कैसे वो निरीक्षण करने उन इलाकों को विजिट करने जाते हैं, कई इलाकों से हिंदू लोगों को भगा दिया गया, कैसे उनको लाहौर में बसाया गया, मालवीय जी ने उसमें बड़ी अग्रणी भूमिका अदा की। उसमें महात्मा गांधी ने मालवीय जी से कहा कि आप जाइए और देखिए उनको कैसे व्यवस्थित किया जाता है, किया जा सकता है, और गांधी जी को उन सब इलाकों में जाने नहीं दिया गया। 1922-23 में तो गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद भी जैसे काहू का जो दंगा था उसमें गांधी जी को जाने नहीं दिया गया। ऐसे में मालवीय जी वहां विजिट किए और हिंदू लोगों को जगह जगह पर वो बसाने की कोशिश किए, और हम देखते हैं कि 1922-21 से लेकर के और 1946-47 तक जो भी कारण रहे हैं, उसके बहुत से लोगों ने प्रतिबंधित ढंग से चिंतन किया है और लिखा है कि समय समय पर बड़े दंगे हुआ करते हैं, और उन दंगों के चलते बहुत से इतिहासकार बड़े सिंपल ढंग से कहते हैं कि अंग्रेजों की एक चाल थी कि हिंदू मुसलमान को लड़ाए रखो और ये सब लड़ते रहेंगे तो ये सब कोई स्वतंत्रता की या स्वायत्तता की बात नहीं कर पाएंगे, कोई एक कलेक्टिव फ्रंट नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन जब हम बहुत बारीकी से सर्वेक्षण करते हैं तो हम आपसे ऐसे ही समय निवेदन करना चाहेंगे कि कौन से मुद्दे थे हिंदू मुसलमान के बीच में जो दंगा करने का कारण बनते थे। जैसा कि रिवाज बताते हैं कि कई बार इस बात को लेकर के, अब आजकल तो हम नहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ है कि कोई प्रोसेशन अगर हिंदू लोगों का जा रहा है, कोई रामलीला का प्रोसेशन जा रहा है, कोई और भी जा रहा है और बाजा बजाते हुए जा रहा है, तो किसी मस्जिद के सामने से अगर बाजा बजाते हुए गुजरेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। आजकल तो हम लोग देखते हैं दुर्गा पूजा समय में बहुत ढमढम करके लोग जाते हैं, कहीं कोई ऐसा आवाज नहीं सुनाई देता है, लेकिन उस समय इसको लेकर इतना सेंसिटिव मैटर था कि आप मस्जिद के आगे कैसे जो है आप बाजा बजा रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गवर्नर जनरल को कहा इसी दौर में कि आप कोई कानून बनाइए कि कितने बार की नमाज पढ़ी जाएगी। मैं ये बात बस ऐसे जानकारी के लिए कह रहा हूं कि 5 बार की नमाज होगी तो किन किन स्थानों पर जो बाजा नहीं बजेगा उसके कोई नियम बनेगा, या यही एक कारण लेकर के आप एक दंगाई वातावरण बनेगा। तो अंग्रेजों ने
मदन मोहन मालवीय को लिखा था, अंग्रेजों का कहा था उनके कलेक्टर, उनके गवर्नर, उनके वायसराय से डायलॉग में बात कही, कहा उन लोगों ने कहा कि अगर आप इतना गंभीरता से मस्जिद के आगे बाजा बजाने का काम करेंगे, शोर बचाने का काम करेंगे और उसको हम लोग आपका साथ देंगे तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट में, मुझे तो ये कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो गाय को सार्वजनिक रूप से काटेंगे तो हम उन्हें कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी कहेंगे कि हम भी ये करेंगे। इन सब परिस्थितियों में मदन मोहन मालवीय के बारे में जब चर्चा होती है तो कैसे उन्होंने हिंदू लोगों को गोलबंद करने का प्रयास किया, एक बड़े ही, जिसे कहा जा सकता है कि बड़े उदारवादी तरीके से। इस संदर्भ में हिंदू महासभा की चर्चा होती है कि कैसे ये पंजाब का इलाका, कैसे वो बहुत अधिक हिंदू मुसलमान के संघर्ष का इलाका था, उन सब इलाके के संघर्ष कैसे ऑल इंडिया लेवल के संघर्ष में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कहीं कोई किसी स्थान पर कोई संघर्ष हो और उस संघर्ष को लेकर पूरे भारतवर्ष का संघर्ष बताया जाए कि हर जगह हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। मैं बड़े इशारे से ये बात कह रहा हूं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को अलग करने का, जैसे उनका कोई वानहित स्वार्थ था। आपको जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले अच्छे से, उनको पता होगा 1909 का एक मार्ले मिंटो सुधार करके एक संवैधानिक परिवर्तन आता है। अंग्रेज भारतवर्ष में जो शासन कर रहे थे उनके मन में इस बात की बड़ी दहशत थी कि कहीं भारत के लोग फिर एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर हमारे खिलाफ विद्रोह न करते, जैसा कि 1857 में विद्रोह हुआ था। तो उन लोगों ने, जो आपको बहुत परिचित भी हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं इसको कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने बड़ी मास्टर स्ट्रोक, जिसे कहा जाए, उन्होंने चलाया अपने कुछ समर्थक इस्लामवादियों से एक प्रस्ताव भी रखवाया, सरकार के सामने मांग भी रखवाया। जैसा आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग 1906 में जिसकी स्थापना हुई, जिसके माध्यम से सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस समय की, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट असेंबली में अगर आप चुनाव कराते हैं, कुछ